हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सेनाओं में 4 साल के लिए भर्ती होंगे अग्निवीर, बेहतर पैकेज के साथ होगी विदाई। नई दिल्ली, रक्षा मंत्रालय, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों ने भारतीय सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ का ऐलान कर दिया है। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले सशस्त्र बलों में अग्निवीरों के तौर पर शामिल किया जाएगा। खास बात है कि कोविड-19 महामारी के चलते बीते करीब 2 सालों से अटकी भर्ती प्रक्रिया को इस घोषणा के बाद रफ्तार मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और एडमिरल आर हरि कुमार ने नेशनल मीडिया सेंटर में इस नई योजना की घोषणा की है। नई व्यवस्था में अग्निवीरों के तौर पर सेना में शामिल होने वाले सैनिक 4 साल तक अपनी सेवाएं देंगे। हालांकि इसमें एक अन्य प्रावधान भी शामिल है, जिसमें स्क्रीनिंग के एक अन्य दौर के बाद 25% सैनिक सेना का हिस्सा बने रहेंगे। 4 साल के बाद सेना से निकलने वाले सैनिकों को पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसे में उन्हें 11 लाख रुपए का पैकेज मिलने की संभावनाएं हैं। सेना में बने रहने वाले 25% सैनिक अगले 15 सालों तक सेना में अपनी सेवाएं देंगे, साथ ही वे पेंशन के भी हकदार होंगे। सेना की ये नई भर्ती प्रक्रिया पर लंबे समय से चर्चाएं जारी हैं। सेना के दिग्गजों का मानना है कि इसके फायदे से ज्यादा नुकसान होंगे। सेना में अग्निवीर एक अलग रैंक होगी, जिसके सैनिक वर्दी पर खास बैच भी पहनेंगे। अग्निपथ मॉडल के तहत सेना में PBOR रैंक से नीचे के अधिकारियों की भर्ती की जाएगी। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि 4 साल की सेवा में 6 महीने की ट्रेनिंग अवधि भी शामिल है। अग्निपथ के जरिए सेना का हिस्सा बने सैनिकों को प्रतिमाह 30,000 से 40,000 रुपए तक सैलरी मिलेगी, साथ ही इन्हें 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि सैनिकों को अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो उन्हें सेना की सेवा के बाद अन्य नौकरी हासिल करने में भी मदद करेगा। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।